तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो जो है गोल्डन रिट्रीवर के बारे में होने वाली है। मेरा जो सब्सक्राइबर है वो काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहा था, बट कुछ वीडियो थी पेंडिंग, इसके कारण मैं वीडियो नहीं बना सका। बट आज की वीडियो गोल्डन रिट्रीवर के बारे में है कि उनको क्या क्या खाने को दिया जाए, कब उन्हें ट्रेन किया जाए, कब सही से उन्हें नहलाने का टाइम क्या होता है और उनकी केयर में क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ एक बेसिक जो है वीडियो होने वाली, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स है वो आपको बताने वाला हूं, क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूं, जिसके कारण आपको भी ये जो है गोल्डन रिट्रीवर आपके पास है या फिर आपके पास दूसरा कोई और डॉग है तो आपको भी ये वीडियो ज़रूर से देखनी चाहिए। तो गाइस शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी बनाई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे ऐसी एनर्जी मिलती रहेगी और मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि मतलब जो पपीज़ की एज में उसको कितनी बार खाना देना चाहिए, और एडल्ट जब आपका डॉग हो रहा है या फिर एडल्ट है 2 साल का 3 साल का है तो कितना टाइम उसको खाना देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं 1 से लेकर 3 मंथ तक आपको क्या करना है कि आपको जो है उसको जो सेरेलैक्स वगैरह आता है वही आपको खाना देना चाहिए। तो ऐसे में जो है आप स्टार्टिंग में जो 2 मंथ होते हैं उसमें आपको 4 टाइम देना चाहिए, जैसे कि सुबह 8-9 बजे, फिर 1 बजे, फिर 4 बजे, फिर रात को वापस से 8 बजे, ऐसे आपको 2 मंथ तक आपको उसको देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो है 1 टाइम कम कर देना है, फिर आपको 3 टाइम देना है उसको। अगर आपका पपी वीक आपको लग रहा है कि मतलब अच्छे से खा नहीं रहा, एक साथ नहीं खाना छोड़ रहा है, तो फिर 4 टाइम आप कंटिन्यू रख सकते हैं और 1 मंथ। उसके बाद आपको उसको 3 टाइम देना है। फिर जैसे जैसे आपका पपी 5 मंथ का या फिर 6 मंथ का हो जाता है, 7 मंथ का हो जाता है, फिर उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसा देना चाहिए। अगर उसकी हेल्थ अच्छी खासी है, आपको लग रहा है मस्कुलर है, तो फिर आप उसको 3 टाइम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं कि बीच में स्नैक्स के अलावा आप कुछ और भी उसको थोड़ा प्रोटीन भरा कुछ खाने को दे सकते हैं, जिसके कारण उसकी हेल्थ अच्छी खासी बनी रहेगी। और जैसा आपका पपी एडल्ट हो जाता है तो फिर अपने आप वो 3 टाइम से लेकर 2 टाइम आ जाएगा, यानी सुबह मॉर्निंग में आपको उसको खाना देना है, जैसे कि 11 बजे 10 बजे जैसे आप खाते हो, फिर शाम को भी आप जैसे खाना खाते हो 7-8 बजे, आपको उस टाइम आपको उसको खाना दे सकते हैं। और उसके अलावा बीच में आप कुछ उसको छोटा मोटा ट्रीट या फिर दोपहर को 3 या 3:30 बजे आप कुछ उसको स्नैक्स वगैरह ऐसा कुछ खाने को दे सकते हैं, जिसके कारण उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं गोल्डन रिट्रीवर के नहाने की बात, यानी उसको कब नहलाना चाहिए कब नहीं। तो गोल्डन रिट्रीवर के जैसे जैसे वो एडल्ट हो जाता है उसके कारण उसके बालों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती, तब जाके उसके बाल काफ़ी ज़्यादा शाइनी और स्मूथ रहते हैं। तो ऐसे में आप उसको वीक में 1 बार नहला सकते हैं, बट अभी ठंडी है तो आप ध्यान रखें कि 2 वीक में आप 1 बार नहला सकते हैं। अगर ज़्यादा कुछ बीमार आपको लग रहा है, आपका डॉग बीमार है, कुछ ऐसी ख़राब कंडीशन है, तो आप मत नहलाइएगा। उसके अलावा आप डॉक्टर की राय लेके फिर उसको नहला सकते हैं। और पपी की जो एज हो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि 2 मंथ के बाद ही आप नहलाए तो बेटर रहेगा, यानी कम से कम 45 डेज हो जाने के बाद आप जैसे घर पे लेके आते हैं उसके 1.5 मंथ के बाद, यानी फिर से 40 डेज हो जाते हैं उसके बाद आप उसे नहला सकते हैं। अभी थोड़ा सा गर्म पानी और टेम्परेचर जो है एक जैसा करके फिर आप उसे जो है नहला सकते हैं। गोल्डन रिट्रीवर के कौन कौन से फूड आपको देने नहीं चाहिए, ध्यान रखना आपको कभी भी उसको तेल वाली चीज़ें नहीं देनी। तेल वाली चीज़ें देने से उसको प्रॉब्लम आ सकती है, तीखी मिर्च वगैरह आपको कुछ नहीं देना, मीठा आपको कुछ नहीं देना खाने को, जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह हो गए या फिर घर पे कुछ मिठाई वगैरह लाते हो या फिर कुछ भी करते हो तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं देनी। खट्टी चीज़ें भी आपको बिल्कुल उसके अंदर ऐड नहीं करनी, कभी कभार खाते टाइम कुछ आप दे देते हो ऐसा नहीं देना। सब्जी वगैरह डायरेक्ट उसको खाने के लिए नहीं देना, नहीं तो वो भी उसको प्रॉब्लम कर सकती है। और जैसे कि गोल्डन रिट्रीवर की डिवॉर्मिंग अगर आप टाइम टू टाइम नहीं करते तो बाहर के पत्थर वगैरह खाते हैं, कभी कभी वो बाहर की जो है पोटिस वगैरह वो भी खा लेता है कभी कभी कोई कोई डॉग, तो उस बात का ध्यान रखना है, उसके कारण उसको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए डिवॉर्मिंग आप टाइम टू टाइम ज़रूर कराएं। तो गाइस अब बात करते हैं उनके प्राइस के बारे में कि प्राइस क्या हो सकती है। तो गोल्डन रिट्रीवर की प्राइस जो है स्टार्टिंग जो 13,000 से स्टार्ट होकर, जैसे डिपेंड करता है कि क्वालिटी पे कैसे आप क्वालिटी लेते हैं, वो 18,000 पे भी जा सकता है, 20,000 पे भी आ जा सकता है, और डिपेंड करता है कि क्वालिटी और कैसी जो हैवी बोन है या फिर कैसा आप ले रहे हो उस हिसाब से उसका प्राइस तय होता है। बट आप जो है उनसे बार्गिंग करके थोड़ा बहुत तो 2-3 हज़ार कम कर सकते हैं। अगर आप फीमेल लेते हैं तो बहुत अच्छा, उसमें भी 3-4 हज़ार आपको कम मिल जाएगा, और ऐसी जगह से ले जहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है और जो है मिक्स ब्रीडिंग ना हो, ऐसी जगह से आप ले सकते हैं। और किसी के पास फीमेल अगर गोल्डन रिट्रीवर है तो उसके आप बेबीज़ भी ले सकते हैं, तो वो आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे, 8-9 हज़ार या फिर 10 हज़ार के आसपास भी वो आपको दे सकता है।
तो गाइस मुझे बहुत सारे ऐसे डॉग पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि जो हमें घर का खाना देना चाहिए या फिर डॉग फूड भी देना चाहिए। तो डॉग फूड हमेशा कंटिन्यू ना दे, आप जो है घर का खाना भी उसमें ज़रूर से आपको ऐड करना है, क्योंकि कभी कभार डॉग बीमार हो जाता है तो उसका घर का खाना भी आप उसे दे सकते हैं। तो ऐसे में फिर वो डॉग फूड भी नहीं खाएगा और जो घर के खाने में नेचुरली न्यूट्रिशन होता है वो तो उसको मिलता रहेगा। और बात रही बजट की, कि आपके पास हमेशा की बजट नहीं हो सकता, अगर कभी कभार पैसों का कमी है या फिर आप नहीं ला सकते डॉग फूड, तो ऐसे में वो घर का खाना अगर आप देते हो तो बेस्ट रहेगा, अच्छे से खा भी लेगा और वो काफ़ी अच्छा होता है, हेल्दी होता है पपीज़ के डाइजेस्ट सिस्टम के लिए, उनके बालों के लिए। तो हमेशा घर का खाना, जैसे कि घर के खाने में रोटी वगैरह हो गई, दही ऐसा आप मिक्स करके दे सकते हैं, नॉन वेज वगैरह दे सकते हैं उसमें ऐड करके, एग वगैरह बॉईल करके दे सकते हैं, कभी भी कच्चा मीट या कच्चा बॉयल एग उसको नहीं देना, हमेशा जो है एग वगैरह हो गया वो बॉयल करके ही उसको देना है, तो वो काफ़ी हेल्दी रहेगा उनके लिए। और इसके अलावा जो लास्ट है जो वैक्सीनेशन आपको, जैसे आप पप्पी घर पे लाते हो उसके 15 दिन के बाद आप उसको वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है डॉग के लिए। और जो है उसके बाद आपको साल साल में जो है वैक्सीनेशन उसका हर साल कराना पड़ेगा, उसका खर्चा आपको जैसे कि 1200 रुपये होता है हर साल। और स्टार्टिंग में अगर आप कराते हो वैक्सीनेशन, वो 4 इंजेक्शन लगते हैं, उसके भी 300-400 रुपये के 4 इंजेक्शन लगेंगे, तो ये भी आपको जो है 1200 के आसपास ही हो जाएगा पैसा। और गोल्डन रिट्रीवर के डाइजेस्ट सिस्टम में, उनके डाइट प्लान में बहुत सारी वीडियो मैंने बना के रखी, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, आप ज़रूर से देखना उनकी कैसे केयर करें, वो सारी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके ज़रूर से फॉलो कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।